हेलो एवरीवन तो स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में तो आज का एक हमारा टॉपिक होने वाला है आइसोमेरिज्म हम इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पीजीटी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपके बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन है हमारा मेरिक एसिड एंड क्यूमेरिक एसिड आर तो हमें बताना है कि ये कौन से तरीके का आइसुमेरिन पर्जिट करते हैं तो मैलिक एसिड आपका क्या होता है मैलिक एसिड का आपके पास फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से आपके ये आपका सिस फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है और दूसरा आपके पास जो फ्यूमेरिक एसिड होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है इसमें आपके दोनों सी ओ एच बॉन्ड जो है वो दोनों ट्रांस पर आपके रहते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, है, है ट्रांसफॉर्म तो, सिट्रिकल ट्रांस, तो, ट्रांस तो यहां पर हमारे मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड क्या होते हैं ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके कहलाते हैं तो आईसो आपका ऑप्शन बी जो है यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायस्टीरोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय तो डायस्टीरोमर्स क्या होते हैं हमारे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं हैं है डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनमें क्या होता है जब इनको आप सेपरेट करते हैं तो आप इनको नॉर्मल टेक्निक से आप सेपरेट नहीं कर पाते तो इनके लिए सेपरेशन के लिए क्या होता है कुछ टेक्निक्स होती हैं सेपरेशन के लिए पहला तो आप इसमें यूज कर सकते हैं आप इसमें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा आप इसमें यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थर्ड आप इसमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं उनके लिए ये सारी टेक्निक्स आपकी यूज होती हैं और इसके अलावा भी आपकी और भी टेक्निक्स यूज होती हैं तो ये कुछ आपकी टेक्निक्स हैं जो आपकी को सेपरेट करने में यूज होती हैं तो हमारे ऑप्शन में हमें गिवेन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन से आपका नहीं होता है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन

यहां पर क्या होता है ये क्या होते हैं रोटामर्स होते हैं आपके जो होते हैं आइसोमर्स जो आइसोमेरिज्म क्या होता है इसमें अराउंड आइसोमैरिज क्या होता है ड्यू टू सिंगल बॉन्ड रोटेशन यहां पर आपको सिंगल बॉन्ड ध्यान में रखना है तो हमारे पास क्या गिवन है हमारे पास टू ब्यूटीन गिवन है पहला आपका है टू ब्यूटीन तो ब्यूटीन आपका कैसा होता है कुछ इस तरीके से आपका टू ब्यूटीन का आपका स्ट्रक्चर तो हो जाता है और फिर उसके बाद आपके पास मैलिक एसिड जो हमने अभी पीछे ही स्ट्रक्चर देखे थे मैलिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर था ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्म हो रहा था तो ये आपका मेलिक एसिड का स्ट्रक्चर था और फिर आपके पास क्या है ब्यूटेन गिवन है तो ब्यूटेन तो आपका सिंपल होता है तो आपका ये हो जाता है कुछ ब्यूटेन का स्ट्रक्चर और फिर आपके पास आता है ऑप्शन डी में आपका फ्यूमेरिक एसिड तो यहां पर आपके पास फिर से वही इसका आपका ट्रांस वाला आइसोमर हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड का ये रहा आपके पास चारों के स्ट्रक्चर्स अब हमें बताना है कि रोटामर्स आपके किसमें एग्जिस्ट करेंगे तो रोटामर्स यहाँ पर क्या है अगर आपके पास आइसोमर्स क्या है ये आपका जो है ये डबल बॉन्ड गिवन है ये आपका यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ये भी आपका यहाँ डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है तो आपके ए सी और डी में क्या है कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड के अराउंड अगर आप रोटेशन कराओगे ना तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं यहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड के अराउंड आप पोजिशन को इंटरचेंज करोगे तो ये आपके जी शो कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ये वाला भी आपका जी ही शो कर रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड आपके पास क्या मिलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं और ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही बना रहा है सिर्फ आपका थर्ड वाला जो केस है इसमें आपके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंस है और यहाँ पर ही आप अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराते हैं तो आपको क्या मिलते हैं रोटामर्स तो ये आपका ऑप्शन जो है ये यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट हमारे पास गिवन है द स्ट्रक्चर्स आपको दो गिवन है यहाँ पर ये आपको कुछ स्ट्रक्चर गिवन है और आपको बताना है कि ये आपके कौन से आइसोमर्स आपका यहाँ पर बना रहे हैं तो जब आप यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स को लिखते हो इनके स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से हैं यहाँ पर जब आप लिखते हो तो क्या है यहाँ पर ये आपके पास NH2 टू ग्रुप अटैच है तो टोटल वन टू थ्री फोर और फाइव कार्बन की आपके पास चेन है तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर जो बन जाएगा इसका फर्स्ट आपके पास ये है CH2, और फिर सी एच टू और सी एच थ्री और आपके पास यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पर क्या गिवन है यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पे आपका अमीन ग्रुप लगा रखा है इसी तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर जो आपके पास गिवन है इसमें क्या है आपके पास यही सेम आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है बस यहां पर आपके पास थर्ड पोजीशन पर आपके पास अटैच किया गया है अमीन ग्रुप को तो यहां पर ये यह आपका जो है ये सेकंड स्ट्रक्चर है आपका इन दोनों में आपको बताना है कि किस तरीके की आपकी आइसोमेरिज्म लग रही होगी तो ये क्या है आप अगर यहां पर ध्यान से देखो कि ये जो आपके पास अगर ये चेन देखो ये जो आपके पास चेन गिवन है ना ये चेन दोनों में ही स्ट्रेट चेन है और यहां पर दोनों की चेन तो सेम ही है मेन चेन तो आपकी सेम है तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं लग रहा होगा दूसरा आपके पास इसी वजह से चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं है क्योंकि चेन आपकी सेम है दूसरा क्या है आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स तो यहाँ पे बन नहीं रहे होते तो क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है कॉन्फिग्रेशन वाला होता है तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स तो नहीं बन रहे है हमारे पास क्योंकि हमारे पास स्पेसिफाई नहीं है इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री उसके बाद हमें क्या दे रखा है पोजीशन आइसोमर्स तो पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं आपके जहां पर पोजीशन में डिफरेंस आ रहा होता है यहां पर आप ये वाला जो ग्रुप देखोगे ये आपका जो ग्रुप है ना ये आपका एक जगह आपका थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है और यहां पर आपका यही वाला ग्रुप आपका सेकंड पोजिशन पर लगा हुआ है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर पोजिशन में डिफरेंस आ रहा है इसी वजह से ये क्या करते हैं ये आपके यहां पर पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं ये आपके पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका यहां से क्या होता है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है और मीजोमर्स में आपको पता है कि आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करनी चाहिए किसी से भी तो यहां पर इन दोनों में दोनों ही डिफरेंट है तो यहां पर आपके मीजोमर्स तो ये नहीं होंगे क्योंकि वो आपकी मिरर इमेजेस होनी चाहिए एक जैसी ये तो यहाँ पे पोजिशन में डिफरेंस है दैट्स वाई दे आर पोजिशन आइसोमर्स तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है हमें एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है सी फोर एच टेन ओ इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स आपके कितने होंगे अब यहाँ पर क्या है कि अब आपके पास ओ जो गिवन है ये आपके पास क्या है यहाँ पर ये है आपके पास सी फोर एच टेन ओ ये जो आपके पास गिवन है ये आप देख सकते हो जब आप फॉर्मूला देखोगे तो सी एन एच टू एन प्लस टू से ज्यादा आपका यहाँ पर आ रहा है मतलब यहाँ पर आपके पास अनसेन तो प्रेजेंट नहीं है तो ये ओ जो है आपका कितने फंक्शनल ग्रुप्स में आता है ओ आपका एक तो आपका एल्कोहल बना सकता है एक तो आपकी एल्कोहल की पॉसिबिलिटी होती है है ना दूसरी आपकी ईथर की पॉसिबिलिटी होती है और तीसरा आपका कीटोन में ये आता है पर क्या होता है कीटोन आपके पास कुछ इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ होता है तो जब आप यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करते हो तो कीटोन में क्या होता है आपके पास जब आप यहाँ पर आप इसकी पॉसिबिलिटी आप इसकी ड्रॉ करोगे तो क्या होता है कि जब आप आप कीटोन की बात करो तो ये अगर एल्कोहल तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म हो रहा होगा ये आपका इधर पर जब आप एल्कोहल की बात करोगे तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू और आपका ओ OH एच कुछ इस तरीके से लगा होगा तो आप देख सकते हो चार कार्बन और आपके थ्री फाइव सेवन एट नाइन और टेन तो टोटल टेन आपके हाइड्रोजन आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं और एक ऑक्सीजन तो एल्कोहल तो आपका इसके में हम देखेंगे कि एल्कोहल के आपके कितने आपके आइसोमर्स पॉसिबल बन पा रहे हैं उसी तरीके से जब आप ईथर की बात करोगे तो आपका ईथर में भी क्या होता है इस तरीके से सी और आपका फिर बीच में कहीं ईथर का ग्रुप आपका आता है और ये सी एच टू और आपका ये सी एच थ्री तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो थ्री यहाँ पर पांच कार्बन है पांच हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी पांच हाइड्रोजन है तो आपका ईथर ग्रुप भी बन जाएगा बट जब आप कीटोन बनाने जाओगे तो कीटोन के केस में क्या होता है आपका कुछ डबल बॉन्ड बीच में कहीं आ रहा होगा और सी एच टू और सी एच थ्री तो इस कीटोन के केस में क्या हुआ चार कार्बन का जो आपका केस बना यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन टोटल कितने आए हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर थ्री थ्री सिक्स सेवन एट टोटल आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है हाइड्रोजन आपके पूरे सेटिस्फाई नहीं होते हैं इसलिए आपका कीटोन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है दूसरा आप नंबर ऑफ अनसेचुरेशन आप निकालते हो ना जिस से उससे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास अनसेचुरेशन प्रेजेंट नहीं होगा इसलिए आपका कीटोन जो है यहाँ पर कीटोन आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है तो हम सिर्फ एल्कोहल के केस में हम एल्कोहल के केस में और ईथर के केस में देखेंगे कि इनके टोटल कितने आपके पॉसिबल आइसोमर्स बन रहे हैं क्योंकि कीटोन हमारा यहाँ पर नहीं बन सकता ठीक है तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है जब हम स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ करने जाएंगे तो पहला हम जैसे ड्रॉ करते हैं एल्कोहल तो एक तो हमारा लीनियर चेन का ही बन रहा है तो इसका हम कुछ इस तरीके से वन टू थ्री फोर आपके कार्बन होंगे और ये आपका कुछ इस तरीके से एक आपका ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी दूसरा जब आप ड्रॉ करोगे तब आपके पास क्या होगा कि कुछ इस तरीके से आप ये आपकी फोर कार्बन की चेन हो गई और आप ओ OH की पोजिशन को इंटरचेंज कर दो एक आपकी ये पॉसिबिलिटी आ गई तीसरा जब आप ड्रॉ करोगे तब आप ओ OH एच को इस जगह पर अगर लेकर आओगे तो वो ओवरऑल सेम ही हो जाता है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप इस जगह पर एक सब्सटिट्यूशन बढ़ा दो तो ये आपकी चार कार्बन की होगी चेन और ये आपका आ गया ओ OH ग्रुप तो इस तरीके से सॉरी इधर पर आप एक सब्सटीट्यूशन एड करो और ये आपकी होगी चार कार्बन की चेन टोटल और ये आपका आ जाता है ओ OH ग्रुप इस तरीके से ये आपका एल्कोहल की तीन पॉसिबिलिटी हो गई और लास्ट में आपका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर और फॉर्म होता है जहां पर आप टर्शरी आपके पास ये इस तरीके की चेन बन जाती है आपकी चार कार्बन की जैसे कि वन टू थ्री फोर ये आपकी चेन हो गई और यहाँ पर आप टर्शरी आप एल्कोहल बनाते हो तो ये आपके पास चार आइसोमर पॉसिबल हो जाते हैं एल्कोहल वाले अब हम बात करेंगे इसके अलावा एल्कोहल की आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है अब जब हम बात करेंगे ईथर की तो हमारे पास हम ड्रॉ करेंगे फिफ्थ पॉसिबल आइसोमर एक तो जैसे हमने ड्रॉ किया ही हुआ था क्या होता है कुछ इस तरीके से आपका ये दो कार्बन और इस तरीके से आपका ईथर ग्रुप बन रहा होगा ये आपके चार कार्बन हो गए और फिर इसी तरीके से क्या होता है अब अगली पॉसिबिलिटी जब आप ईथर की ड्रॉ करोगे तो ऑक्सीजन की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो सेंटर में था अब हम दूसरी जगह पर ले आएंगे तो एक हमारी कुछ इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी बन रही होती है तो ये आपकी एक पॉसिबिलिटी और हो गई इथर की अब इथर में क्या है ये और ये पोजीशन तो हो गई अब हम और क्या कर सकते हैं एक इसमें हम आप एक कार्बन को यहाँ पे सबस्टिट्यूट भी तो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तीन है ना एक सबस्टिट्यूशन आप कर सकते हैं एक आपकी ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कुछ इस तरीके से आपकी इथर की तो ये आपके टोटल इतने ही पॉसिबल यहाँ पर आइसोमर्स होते हैं हमारे टोटल यहाँ पर सेवन पॉसिबल आइसोमर्स निकल कर आते हैं इसके केस में इसके अलावा इसकी और कोई भी पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर की नहीं होती है तो ये हमारे पास कितने हो गए टोटल हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर सेवन आइसोमर्स तो यहाँ पर आपके पास टोटल सेवन आइसोमर्स निकल कर आ जाते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ठीक है आई होप आपको ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं समझ में आया होगा ठीक है तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में ग्लूकोज और फ्रोटोक्स जो होते हैं आपके कौन से आइसोमर्स होते हैं सबसे पहले आप इनका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए ग्लूकोज का आपके पास क्या स्ट्रक्चर होता है हम जब ग्लूकोज की बात करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से चेन होती है आपकी सी एच ओ होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है और आपके पास बीच में क्या होता है चार कार्बन की इस तरीके से चेन होती है और इस साइड होता है आपका ओ एच एच ओ एच ओ एच इसी तरीके से यहाँ पर ओ OH एच है तो यहाँ पे एच ओ OH, एच एच और एच लास्ट में आपका आता है सी एच टू ओ एच यह आपके पास आ जाता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इसी तरीके से जब आप फ्रुक्टोज का ड्रॉ करते हो तो आपके पास क्या होता है फ्रुक्टोज में भी सेम नंबर ऑफ़ इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी आपका सेम ही रहता है तो कुछ इसी तरीके का ही इसका स्ट्रक्चर बनता है बस हमारे पास यहाँ पर क्या होता है स्टार्टिंग ही हमारी एल्कोहल से होती है और फिर हमारे पास क्या होता है यहां पर क्या था एल्कोहल था सेकेंड नंबर पे बट हमारे पास यहाँ पर सेकेंड नंबर पे कीटोन आ जाता है फिर बाकी की चेन हमारी सेम ही रहती है फिर हमारी चेन कुछ इस तरीके से एल्कोहल की तरह सेम ही रहती है और यहाँ पर आपके पास आ जाता है इस तरीके से कुछ फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर तो ये आपके पास ग्लुपोज का स्ट्रक्चर हो गया ये फ्रुक्टोज का

तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आपकी सेकेंड पोजिशन है यहां पर आपका एल्कोहल है और यहां पर आपका क्या है कीटोन है तो ये आपका क्या है यहां पर एल्कोहल है और इधर पर आपका सेकंड पोजीशन पर आ गया है कीटोन इसी तरीके से आपके पास क्या था इसमें एल्डिहाइड था ये वाला और ये वाला आपके पास है एल्कोहल तो ओवरऑल हमारे पास क्या है एल्कोहल तो दोनों में सेम ही है बस हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाता है और यहाँ पर कीटोन तो ओवरऑल आपको यहां पर फंक्शनल ग्रुप में चेंज देखने के लिए मिलता है इसलिए हमारा क्या होता है यहां पर आपके पास आपको फंक्शनल ग्रुप में चेंज देखने के लिए मिलता है इसी वजह से आपके पास क्या होती है यहां पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ये कहलाते हैं ये आपके फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में आपके फॉल करते हैं इसलिए आपका यहां पर क्या है ये आपका ऑप्शन सी जो है यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है हमें बताना है कि आपकी ऑल फॉर्म ऑफ एसीटोन आफ्टर ट्रीटमेंट विथ डी टू गिवस ये आपको एसीटोन है एसीटोन में बताना है कि आफ्टर ट्रीटमेंट विद डी टू ओ क्या होती है आपके पास एसीटोन की स्ट्रक्चर एसीटोन आपका कुछ इस तरीके से होता है ये होता है आपका एसीटोन का स्ट्रक्चर अब हमें पूछा है कि इसमें जब आप डी टू ओ का आप रिएक्शन करवाते हो डी टू ओ के साथ रिएक्शन के बाद आपकी इनोल फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है तो यहां पर क्या है फर्स्ट ऑप्शन में आपका सिर्फ एक डी एक्सचेंज किया गया है यहां पर आपके पास क्या है जहां पर आपके पास d3 आया है और यहां पर आपके पास सारे ही हाइड्रोजनस को एक्सचेंज किया गया है और यहां पर भी आपका एक जगह चेंज किया हम देखते हैं कि हमारी रिएक्शन यहाँ पर कैसे होती है d2o क्या होता है d2o आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज करता है आपका इस मॉलिक्यूल से तो इसके लिए पहले हमें क्या है इसकी इनोल फॉर्म को ड्रा करना होगा इसकी जो जब हम इसमें टॉटोमेरिजन कराते हैं तो हमारे पास क्या होगा कुछ इस तरीके से इसकी इनोल फॉर्म आ जाती है ये तो ड्रॉ करना सबको आता होगा इतना तो मैं मान के चल रही हूं कि आपको ईटो इनोल डोटोमरिन कराना आता है तो क्या होता है कि सबसे पहले जब आप यहाँ पर डिटो से रिएक्शन कराते हो तो आपका ये हाइड्रोजन क्या है एक्सचेंज हो गया ये वाला आपने पहली रिएक्शन में आपका जो हाइड्रोजन है ये एक्सचेंज हो जाता है और ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है अब क्या होता है अब अगर आप यहाँ पर ये जो रिएक्शन है यहाँ स्टॉप नहीं होती है इधर पे क्या होता है कि यहाँ इसमें फिर से आपका कीटो इनोल टॉटो में होता है यहाँ पर आपका फिर से टोटो होता है और क्या होता है इधर पे फिर से इसमें अपनी ये कीटो फॉर्म में वापस आ जाता है और आपके पास सी एच टू डी कुछ इस तरीके से डी और इसकी पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है और ये फिर से अपने इसी फॉर्म में आ जाता है अब क्या होता है ये फिर से अपनी में इसमें आता है फिर से इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म फिर से होती है अब इसमें फिर से टोटोमेरिज्म होके क्या होता है इसमें फिर से इस तरीके से सी एच थ्री और यहाँ पर क्या होता है अब ये डी के जगह क्या होता है कि सी एच की बजाय आपका सी डी बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो हमारा सी एच बॉन्ड वीक होता है तो हमारा इनोल फॉर्म में क्या जाता है हमारे पास फिर से यहाँ पे ओ ही इस तरीके से आता है और आपके पास क्या है इस तरीके सी एच डी इस तरीके से आपकी फॉर्म जो है फिर से बन जाती है और जब आप यहाँ पर फिर से आपका डी टू ओ का आपके पास जब रिएक्शन कराते हो तो यहाँ आपका फिर से जो हाइड्रोजन है कुछ इस तरीके से आपका एक्सचेंज हो जाता है ये आपका सी एच डी और फिर से क्या होता है कि फिर से ये सेम जो रिएक्शन है यहाँ पर क्या होता है ये फिर से टी कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिजन कराती है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर फिर से आपका कीटोन बन जाता है और आपका सी एच डी टू आपका आ जाता है और ये हाइड्रोजन फिर से एक्सचेंज करता है फिर से एक ड्यूटेरियम आता है तो ये प्रोसेस जैसे इस यहाँ पर होती है उसी तरीके से फिर यहाँ पर होती है इस तरीके से आपके जितने हाइड्रोजन्स हैं ना ये कीटो इनॉल्ट ऑटोमेरिजन होते होते आपके सारे जो हाइड्रोजन्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं ड्यूटेरियम से और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है आपके पास क्या होता है कि आपके पास सारी रिएक्शंस कराने के बाद फाइनली आपके पास क्या होता है इस तरीके से आपके जो जितने भी ड्यूट हाइड्रोजन्स हैं वो सारे के सारे आपके ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो चुके होते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा होता है ये इस तरीके से आपके पास सी ओ डी और ये इस तरीके से आपके पास इनोल फॉर्म आपकी बन रही होती है ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाता है और ये आपके पास कौन से ऑप्शन में गिविन है जहाँ पर सारे ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गए थे ये सिर्फ आपके पास ऑप्शन डी जो है इसमें आपके पास सारे ड्यूटेरियम आपके पास एक्सचेंज करके इनोर फॉर्म बनाई गई है तो आपके पास ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी ज्यादा तो ठीक है बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोविंग विल हैव मीजो आइसोमर्स ऑल्सो तो इसके लिए मीज़ो आइसोमर्स में क्या होता है हमारे पास मिरर प्लेन एग्जिस्ट करना चाहिए बीच से हमारे पास पी जानी चाहिए तो हमें इनके स्ट्रक्चर्स देखने होंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही हम बता सकते हैं कि हमारे पास क्या उसमें पी होगी या उसमें नहीं होगी तो पहला क्या है हमारे पास टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड तो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड का क्या बन रहा होगा हमारे पास फाइव कार्बन की तो चेन है कुछ इस तरीके से वन टू थ्री फोर और फाइव और ये हमारे पास यहाँ पर सी डबल ओ एच एसिड है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये कुछ इस तरीके से आपका ए वाला स्ट्रक्चर बन जाता है जब आप बी में देखोगे बी में आपके पास क्या है टू थ्री डाईक्लोरोन तो हमारे पास ब्यूटेन है तो ब्यूटेन की मेन चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पास आप आ जाती है और इसमें टू और थ्री पोजिशन पर यह आपकी टू पोजिशन पर और ये थ्री पोजिशन पर आपके पास क्या है क्लोरो ग्रुप है तो आपके पास कुछ इस तरीके से सेकंड वाले का स्ट्रक्चर आ गया अब थर्ड में जब आप बात करते हो तो आपके पास सी जो है सी में आपके पास क्या है पेंटेन है ये आपके पास मेन चेन पेंटेन की है तो कुछ इस तरीके से आपके पास मेन चेन आ जाती है और टू और थ्री पोजिशन पर आपके पास यहाँ पर क्लोरो ग्रुप आ जाता है और लास्ट में आपके पास ऑप्शन नंबर डी में गिवेन है टू क्लोरोन तो हमारे पास ब्यूटेन की कुछ इस तरीके से चेन आ गई और सेकेंड नंबर पे आपके पास क्लोरो ग्रुप लगाया हुआ है तो अब हमें देखना है कि कौन से वाले पे आपके मीजो जो फॉर्म है वो पॉसिबल होगी इसमें आप देख सकते हो कि किसी भी तरीके से आपकी पीओएस एस एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें आपकी कहीं से कहीं तक आप किसी भी जगह से आप पी ओ एस पास करोगे तो आपकी पीओ एस पास नहीं करती है और जब आप ऑप्शन नंबर बी में आप देखो तो इधर पर क्या होता है ये आपका स्ट्रक्चर जो है ना कुछ इस तरीके से आप लिखो अगर इसे ये अगर आप इस तरीके से लिखो इसे सी एच और ये आपका आ जाएगा सी CH, एच और सी एच थ्री और ये जब आपका सी एल दोनों एक ही साइड में होंगे ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसका ये आपके ट्रांस वाला था ये आपका सिस वाला है तो जब आप इसको देखो तो यहाँ पर आपका क्या होता है इधर पर आपके पास आप जब सेंटर से जब आप देखो तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है पी आपको दिखाई देगी ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आपके पास क्या है पी आपको नजर आ रही है तो यहाँ पर आपके पास पी होती है तो ये वाला आपके पास क्या होता है पीओएस एग्जिस्ट करने की वजह से ये आपके पास मीजो प्रोडक्ट आपका क्या कह लो आप मीजो आइसोमर आपका कहलाता है और वहीं आप अगर जो दूसरे ऑप्शन है उसमें अगर आप देखो इस वाले केस में क्या होता है अगर यहाँ से भी पीओएस चाहो तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से आप चार चेन में अरेंज कर लो पीओएस नहीं मिलती है आपके पास स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट दोनों साइड से सेम होना चाहिए ना और इधर पर आप देखते हो कि ये आपका कुछ इस तरीके से ही बनता है बट यहाँ पर क्या होता है एक कार्बन आपके पास क्या है एक कार्बन आपके पास एक्स्ट्रा हो जाता है जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है ऑप्शन नंबर सी में आपके पास पी नहीं बनती है और मीजो नहीं बन पाता है ऐसा सिर्फ आपके पास एक ही केस में पॉसिबल होता है इसी वजह से आपके पास ये वाली जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जिसमें टू थ्री डाई क्लोरोन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में मूव करते हैं नेक्स्ट है हमारा व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल फॉर वन क्लोरो टू नाइट्रो इथीन सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए तो आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताओ कि क्या होगा कैसे बताते हैं स्ट्रक्चर लास्ट में हम देख दें कि हमारे पास क्या इसकी मेन चेन रहने वाली है तो हमारे पास क्या इथीन है इथीन है. क्या है यहाँ पर आपके पास कुछ डबल बॉन्ड रहे होंगे दो कार्बन के ठीक है और आपके पास फर्स्ट पे क्या है क्लोरो लेटर सपोज आपको दोनों ही आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो बिकॉज आपके पास सिमेट्रिकल है तो एक में आपके पास क्लोरो है और दूसरी पोजिशन पर आपके पास नाइट्रो है ये आपके पास NO2 आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया और इथीन है तो बाकी की पॉसिबल तो आपका, आपका, हो होगी तो अगर आप इसमें देखो तो हमें पता है कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है ना डबल बॉन्ड में आपके पास क्या होता है क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या है आपकी सिस फॉर्म सॉरी ये वाली आपकी ट्रांसफॉर्म आपको दे रखी है क्योंकि डबल बॉन्ड जब आपके पास आ जाता है ना और एक कार्बन पर दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्सिट्यूट अटैच है तो उसमें आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिस ट्रांस आपके पास एग्जिस्ट करती है यानी कि यहां पर आपके पास क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही होगी जिसको हम किस तरीके से बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास सिस ट्रांस होते हैं या फिर ईज होते हैं है ना तो एक हमारी ये वाली इसकी ट्रांसफॉर्म हो गई फॉर्म तो हम इजली ड्रॉ कर सकते हैं ना क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी फॉर्म ये इसकी हमारे पास ये दोनों अपोजिट साइड में थे तो अब इनको सेम साइड में आप ड्रॉ कर लो ये हो जाएगी आपके पास इसकी सिर्फ फॉर्म हमारे पास क्या है इसमें हमारे पास सिर्फ ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो रहे हैं जब तो हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास पर गिवन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में गिवन है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड अब हमें यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल पॉसिबल बताने हैं यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बस आपका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है मतलब आपके जो मेन चेन होगी उसमें आपका यहाँ पर डिफरेंस होने वाला है तो आपके पास ये क्या है C4 H9 और Cn इसमें आपके पास क्या है CnH2n जो है आपका इजीली आप देख सकते हो कि ये आपका सेचुरेटेड ही है ये आपका सेचुरेटेड ही है Cn, H2n, plus two kind of, आप इसका जब करोगे तो बनता है तो जब आप इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर्स फ्यूमर ड्रॉ करने जाते हो तो सबसे पहला चलो पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं जब इसकी आप पॉसिबिलिटी ड्रॉ करोगे पहला आपके पास किस तरीके से बन सकता है जब आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और एक और कार्बन है सी एच टू और ये सी एल ये आपके पास देखो आप तो एक क्लोरीन हो गया आपके पास चार आपके पास कार्बन हो गए और टोटल आपके पास यहाँ से ये सिक्स कार्बन और प्लस थ्री तो टोटल आपके पास नाइन हाइड्रोजन भी हो गए तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम बन रहा है तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई अब क्या है अब दूसरी पॉसिबिलिटी जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी में आप क्या करो ये क्लोरीन को लास्ट वाले की जगह जैसे वन टू थ्री फोर कार्बन है फोर की जगह आप इसको थर्ड पोजिशन पर ले आओ तो क्या करेंगे हम इसमें ये आप कुछ इस तरीके से इसमें चेंज करो कि यहाँ पर आपकी मेन चेन तो आपकी एज इट इज है बस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इस पोजीशन पर आपने क्लोरीन ले आए देखो आप मोलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम है बस आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट है एक आपका ये पॉसिबल आइसोमर हो गया अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी अगर आप इसको यहाँ सेकंड पोजीशन पर लाते हो तो अगर आप देखो सेकंड पर आप लाओगे तो ओवरऑल सेम ही बनेगा क्योंकि हमारे पास क्या है चार हाइड्रोजन्स चार कार्बनस का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही बनेगा तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी अब क्या कर सकते हैं हम अब हम क्लोरीन को इंटरचेंज ना करके हम इस वाले आइसोमर में आप इस वाले सी को इस वाले पे ले आओ तो अब आप ओवरऑल चेन में ब्रांचिंग कर रहे हो ये ओवरऑल जो आपकी चेन है इस चेन में अब हम ब्रांचिंग करने वाले हैं तो अब क्या बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से आप इसमें चेन में कुछ ब्रांचिंग इस तरीके से आप करोगे तो ये आपके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा क्लोरीन तो एक आपके पास ये पॉसिबल आइसोमर बन जाता है अब क्या कर सकते हो आप एक और आपके पास चेन में आपके पास ये आपने आइसो वाला आपका आइसोमर बना आप क्या कर सकते हो आप लास्ट में एक और पॉसिबिलिटी आपकी बनती है यहां पर आप क्या करो फोर्थ जब हम इसका पॉसिबिलिटी ड्रॉ करने जाएंगे तो ये आपका क्या हुआ ये आपका आइसोफॉर्म था अब आप क्या करो चार कार्बन हैं आपके पास तो आप इसका थर्ड थ्री डिग्री वाला भी बनाकर देखो तो क्या बनेगा थ्री डिग्री वाला हमारे पास कुछ इस तरीके से आपका आइसोमर यहाँ पर बन जाता है तो आप देखोगे आपका सेम ही आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला आया बस आपका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर डिफरेंट आता है ओवरऑल आपके पास यही पॉसिबिलिटी होती है इस वाले स्ट्रक्चर इस वाले मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए तो टोटल हमारे पास कितने आ गए टोटल हमारे पास यहाँ पर फोर पॉसिबल आइसोमर्स आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पूछा था कितने तो हमारे पास टोटल यहाँ पे फोर पॉसिबिलिटी आ जाती है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व इन यूरिया मॉलिक्यूल यूरिया मॉलिक्यूल में बताना है कि कौन सी आइसोमेरिज्म होगी तो यूरिया का स्ट्रक्चर बताइए आपके यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें क्या होता है बीच में कीटोन और अगल बगल NH2 टू ग्रुप यही होता है ना यूरिया का ये आपका यूरिया मॉलिक्यूल हो गया अब कीटोन जहां पर आ जाता है और बगल वाले आपके एटम पे हाइड्रोजन हैं तो आप क्या यहाँ पर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करा सकते हो यहाँ पर आप टोटोमेरिज्म कराओ अगर क्या हो जाएगा ये यह हाइड्रोजन यहाँ से इंटरचेंज हो जाएगा है ना और ये यह यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका एन एच कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा और ये आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा चाहो तो आप इस साइड से बना लो वही बात है तो ये आपका इसका टोटोमर बन जाता है तो यहाँ पर आपके पास और कुछ आप पॉसिबिलिटी देखो तो और कोई भी आपके पास आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं बनती है तो आपका यहाँ पर टोटोमेरिज्म पॉसिबल होता है इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है मैक्सिमम ईनॉल कंटेंट इज इन हमें बताना है कि ईनॉल फॉर्म जो है वो किसमें सबसे ज्यादा होने वाली है तो हम अगर यहां पर देखें तो इनोल फॉर्म में हमें बताने के लिए हमें इसका कीटो इनॉल टाटोमेरिजिन कराएंगे अगर हम तो क्या बनेगा इसका कुछ इस तरीके से इस वाले का बन जाएगा एक तो ये इसका हो गया और जब हम बी वाले में कराते हैं तो बी वाले में आपके पास क्या होगा कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा और आप दूसरी भी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आप ये सेंटर वाले से यहाँ पे आप कुछ इनॉल इस यहाँ पे ओ एच आप लगा दो और ये इधर पे कुछ इस तरीके से आपकी ये दो पॉसिबिलिटी हो रही है टॉटोमेर की और जब आप थर्ड नंबर पे बात करो तो ये आपका क्या है ये आपका एल्डिहाइड है आपकी यहाँ पर क्या होता है कि ये दूसरे साइड से आपकी इनोल फॉर्म की पॉसिबिलिटी जनरेट होती है तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा और लास्ट जो आपका ऑप्शन बचता है इसमें क्या है आपके पास एक साइड एल्डिहाइड है एक साइड कीटोन है और यहाँ पर दोनों साइड ही आपके पास क्या था कीटोन ग्रुप आपके पास प्रेजेंट था तो जब यहां पर आप ड्रॉ करते हो तो आपका सेम इसी तरीके से आपको पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिलती है ये आपके पास क्या होगा कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा और दूसरा आपके पास कुछ उसी तरीके से ये बीच में पोजीशन में आपका इनोल फॉर्म आपका एग्जिस्ट कर जाता है पर अब हमें क्या होना है कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये तो हमारे कहीं से इनोल फॉर्म ज्यादा नहीं होगी फॉर्म यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर ही इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि किसमें आपके पास ज्यादा फॉर्म रहने वाली है तो जब हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लग रही होगी यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है उसी तरीके से आपके पास इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है आपके पास एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों में ही हो गया ये भी नहीं आंसर दे पा रहा बट क्या होता है जब आप इनोल फॉर्म की बात करोगे तो आपने जैसे यहाँ पर निकाली इस साइड से ठीक है तो आप इसमें भी इस साइड से इक्वली निकाल पाओगे और इस केस में जब आप बात करते हो तो आपने यहाँ से तो इनोल फॉर्म बना ली बट आप इस पोजीशन से इनोल्व फॉर्म नहीं बना पाओगे बिकॉज आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है

नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट हमारे पास है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म फॉलोइंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है चेन आइसोमेरिज्म होती है हमारे पास की मोलिकुलर मोलिकुलर फॉर्मूला आपका क्या होना चाहिए सेम बस क्या है डिफरेंट चेन अटैचमेंट चेन अरेंजमेंट कह लो आप या आपकी प्लेन आपकी एक सी सीक्वेंस में होगी या आपकी ब्रांच होगी कितनी ब्रांच हो रही है तो ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और बस डिफरेंट चेन अरेंजमेंट आपके पास यहां पर होता है तो जब आप यहां पर देखते हो कि ऑप्शन नंबर ए में आपके पास क्या गिवन है ऑप्शन ए में है आपके पास वन टू थ्री फोर इस तरीके से ये आपके पास एक अरेंजमेंट है और एक आपके पास ये अरेंजमेंट है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ आपके पास चेन में डिफरेंस है ये आपके पास ये एक लेनियर चेन में सेकेंड पोजिशन पे सब्सटिट्यूंट है और यहाँ पे पांच कार्बन में आपके पास टोटली totally डिफरेंट आपके पास चेन अरेंजमेंट आप देख सकते हो तो हाँ ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होता है लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस भी चेक करने हैं यहाँ पर क्या पता आपके पास एमएसक्यू uh, निकल कर आ जाए तो so सेकेंड वाले में आप देखो तो ये आपके पास इस कार्बन पे टोटल आपके पास सिक्स कार्बन हैं दोनों में और ये पोजीशन है सब्सिट्यूट की बट यहाँ पर आप जब देखो तो दोनों ही आपकी मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की और दोनों ही क्या है एक ही आपका आइसोमर है दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं ये दोनों क्या है ये आइसोमर्स ना होकर ये दोनों ही आपके आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये तो नहीं होता है हमारा और जब आपका थर्ड आप देखोगे तो थर्ड में जब आप बात करोगे तो यहाँ पर आपके पास चार कार्बन है और यहाँ पर आपके पास टोटल फाइव कार्बन है तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूल ही डिफरेंट हो गया ना हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए तो ये तो आपका ऐसे ही अलग हो गया कि भाई आपका तो यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला ही सेम नहीं है आपके कार्बन ही डिफरेंट हो गए और जब आपका लास्ट जो ऑप्शन है इसमें आपके पास ये चार कार्बन है और इधर पर भी आपके पास कुछ तो चार कार्बन है बट ये इसमें इस तरीके से लिखा गया है बट यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है ये लीनियर चेन ही है बस उसने लिख दिया है इसको लिखने का आप ऐसे भी लिख देते ये आपको इस तरीके से भी लिख के दे सकता था बट है तो ये लीनियर ही आपने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया बट है तो ये एक ही चेन इस तरीके से तो ये भी आपके पास आइसोमर नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सिर्फ आपका चेन आइसोमर शो करता है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एन एल गेन फॉर्म आइसोमर्स दे विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एल्केन है जैसे हमारे पास एल्केन्स क्या होते हैं एल्केन्स हमारे पास होते हैं कुछ सी एन एच टू इनका जनरल फॉर्मूला होता है ये हमारे पास एल्केन होते हैं और हमें बताना है यहाँ पे कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए आपका आइसोमर्स बनाने के लिए तो आपके पास जब स्टार्टिंग से आप इसमें आप फॉर्मूला पुट करोगे तो आपके पास क्या बनता है सी एच फोर दूसरा आपके पास क्या बनता है सी टू एच सिक्स फिर आपके पास क्या आता है सी थ्री एच एट फिर क्या आता है आपके पास सी फोर एच टेन कुछ इस तरीके से आपके पास बनते हैं ऐसे आप नंबर बढ़ाते जाओ तो हमारे पास वन टू थ्री फोर यही चार पॉसिबिलिटी में हमें देखना है कि कौन से हमारे पास आइसोमर्स शो करेंगे और कौन से नहीं करने वाले हैं तो ये तो आपके पास बिल्कुल शो नहीं करेगा कि एक कार्बन में भाई क्या आप उसका अरेंजमेंट चेंज कर लोगे सिंपली आपके पास ये इस तरीके से हाइड्रोजन का अरेंजमेंट रहता है इसमें इसमें आप क्या ही चेंज कर लोगे ये तो आपका नहीं होता बिल्कुल भी और जब आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पर क्या है ये भी आपका सेम ही रहता है आप दो कार्बन में भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते स्ट्रक्चर में क्या चेंज कर लोगे आप कहाँ से क्या कार्बन की पोजीशन चेंज कर लोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते

तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास वन टू थ्री और फोर अगर आप जब इसमें इंटरचेंज करने बैठो तो ये अगर आप क्या चाहो तो ये वन टू थ्री जो है ये आपके पास वन टू थ्री जो है और जो फोर्थ नंबर का आपके पास कार्बन है ना आप उसको सेकंड वाले में अगर आप ले आओ तो कुछ इस तरीके से आपके पास इसमें आइसो में पॉसिबल हो जाती है इसी तरीके से आप इसमें और भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकते हो तो ये क्या होती है आपके पास ये आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ आपके पास क्या चार कार्बन होने चाहिए तभी आपके पास आइसोमेरिज्म जो है वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास क्या है तो नंबर मिनिमम नंबर ऑफ क्या कार्बन आ गए एटलीस्ट यू शुड हैव फोर कार्बन एटम्स टू हैव द आइसोमेरिज पॉसिबल इन द है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एंड ब्यूटाइल क्लोराइड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड और ये थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड इनमें बताना है कि ये कौन से आइसोमर्स आपके होंगे कौन से आइसोमर्स होंगे तो पहले हमें देखना है कि कौन सा भाई हमें पूछा गया है तो आपके पास नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड की जब आप बात करोगे तो ब्यूटाइल क्या है आपके पास चार कार्बन की चेन है ये क्या बना रही हूं मैं नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड पास नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड में आपके पास सिंपली क्या है चार कार्बन की चेन में क्लोरीन अटैच है अब जब आप सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाओगे जब आप सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाओगे तो आपके पास क्या होगा ये चार कार्बन की चेन में सेकेंडरी में क्या होता है कि जिस कार्बन से ये अटैच होती है क्लोरीन वो आपका टू डिग्री रहता है तो ये आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड आ गई अब क्या दिया है आपको आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड ये आपके पास क्या है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनता है कुछ आप इसका इस तरीके का आपके पास स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है ये आपके पास चार कार्बन हो जाते हैं वन टू थ्री फोर और ये आपके पास इधर पे कुछ क्लोरीन आपका अटैच होता है तो ये वाला आपके पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो जाता है और फिर आपके पास लास्ट में गए है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में जब हम देखें तो हमारे पास क्या है जिस पोजीशन पे क्लोरीन अटैच होता है ना वो कार्बन थ्री डिग्री होता है तो कुछ इस तरीके से आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आपके पास फॉर्मूला आ जाता है क्योंकि तो हमारे पास चार कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया थ्री डिग्री कार्बन है तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमें पूछा है कि ये कौन से आइसोमर्स होते हैं तो जब हम इनमें देखते हैं क्या है हमारे पास कार्बन तो हमारे पास सेम ही है बस आप जब देखो जब आप यहाँ पर मेन चेन देखते हो तो सारे के सारे जो आपके पास चेन्स हैं यहाँ पर आप जब यहां पर देखो यहाँ पर ये यह जो चेन है ये वाली जो आपके पास कार्बन की ये जो चेन है हाँ hmm. <susur> देखो आप जो चार कार्बनियर है।, है और इधर पर भी क्या है आपके पास कार्बन की चेन तो लीनियर ही है तो होता क्या है आपके पास ये भी क्या है स्ट्रक्चर में बस डिफरेंस आ गया ओवरऑल क्या है ये? ये पूरा का पूरा लीनियर स्ट्रक्चर था और इधर पर आपके पास स्ट्रक्चर में थोड़ी सी ब्रांचिंग आ गई और इधर पर क्या है आपकी चेन ही चेंज हो गई ओवरऑल यहाँ पे आपका फिर से स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है ना तो और यहाँ पर तो आपके पास पूरा ही आप क्लियरली देख सकते हो इसमें आपके पास स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ओवरऑल और आपके, पास इसी से, आपके पास, जब आप यहाँ पर देखते हो स्ट्रक्चर चेंज स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके पास यहाँ पर होते हैं और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा ना भाई आप देखो तो सिर्फ आपके पास स्ट्रक्चर में चेंज देखने के लिए मिल रहा है इसी वजह से हमारे पास क्या होता है स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से ये कह लो आप इसमें स्ट्रक्चरल आप आइसोमर्स आपके ये सारे के सारे के होते हैं तो यहां पर आपके पास क्या है ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इसमें आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट में क्या है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है आपको इसमें देखना है कि आप कैसे इसके आइसोमर्स ड्रॉ करोगे आपको पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना आना चाहिए यहाँ पर आपके पास पास ये गिवन है है इसमें बताना आपके पास कितने टोटल पॉसिबल आइसोमर्स आप इसके ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर क्या है C2 और बाकी आपके पास चार डिफरेंट सब्सिट्यूंट दिए हुए सी टू है मतलब आपके पास मेन स्ट्रक्चर इसका कैसा रहा होगा कुछ इस तरीके से ये दो कार्बन आपके रहे होंगे चार सब्सिटिट्यूएंट हैं तो ये आपके पास इस तरीके से चार आपके सब्सिटीट्यूएंट रहे होंगे तो हमें बताना है कि क्या पॉसिबिलिटी रही है आइसोमर्स की तो चलो एक तो हम सिंपल सा कोई भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे फ्लोरीन फ्लोरिन ब्रोमीन और आयोडीन तो हमें जब इसकी टोटल पॉसिबिलिटी जब आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि क्या आपको देखना है कि जब आप ड्रॉ करोगे तो आप सिर्फ इसको एक पोजीशन पर फिक्स कर लो इसको सिर्फ आपको फिक्स कर लेना है और इसमें बस आपको ये जो ऑपोजिट में आ रहा है ना इसके इसमें ऑपोजिट इसके सब्सिट्यूएंट को चेंज करते जाना है जब पहला आप जैसे मैं आपको दिखाऊं ये तो एक आपने पॉसिबिलिटी ड्रा कर ली अब जब आप दूसरी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करोगे तो अब आप क्या करोगे इसमें आप ये एज इट इज रखो और ये फ्लोरीन को आप एज इट इज इसको फिक्स रख दिया आपने ठीक है और यहाँ पर क्या है कि ये डबल बॉन्ड के अराउंड आपके पास फ्लो ब्रोमिन और आयोडीन तो जब आप इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज करोगे और इन दोनों को इंटेक्ट रखोगे तो भी आपके पास एक नया आइसोमर देखने के लिए मिलेगा बिकॉज आपके पास चारों ही आपके पास डिफरेंट सब हैं जब आप इसकी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करोगे एक आपने फिक्स कर दिया इन दोनों की पोजीशन को अब क्या कर रहे हो आप इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करो तो क्या आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आप देखोगे पर पर फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन है यहां पर क्लोरीन है क्लोरीन तो ये आपके पास डिफरेंट आइसोमर आ गया एक इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट जब आप ड्रॉ करोगे ना जब आप थर्ड नंबर पर ड्रॉ करोगे तो आप क्या करने वाले हो फ्लोरिन के साथ आपने आयोडीन लगाया था अब आप फ्लोरीन को तो एज इट इज इंटेक्ट रखो एक को आपको पूरे ही आइसोमर में आपको फिक्स कर देना है आपको यहाँ पर एक को बिल्कुल और ये आप यहाँ पर चेंज करते जाओगे ठीक है एक तो आपने ये बना ली इससे अब क्या करोगे आप अगले केस में आप आयोडीन की जगह आप ब्रोमीन या क्लोरीन में से किसी को भी रख लो अब आप दूसरे केस में क्या करोगे लेटर सपोज हमने ब्रोमीन रख लिया और ब्रोमीन हमने यहां पर रख लिया है तो हमारे पास इन दोनों पोजीशन में रखने के लिए क्या बचा यहां पर आप आयोडीन रख सकते हो और दूसरी पोजीशन पर आप क्लोरीन रख सकते हो ये हो गई तो आप यहाँ पर देखो हमने फ्लोरीन को तो फिक्स कर रखा है और हमने यहाँ पे आयोडीन की पोजीशन आयोडीन की जगह हमने अब ब्रोमीन ले लिया समझ में आ रही है आपको बात हमने फ्लोरीन को फिक्स रखा है हमने यहाँ पे सिर्फ आयोडीन की पोजीशन को इंटरचेंज करके ये लिख दिया है ब्रोमीन आ गया अब हम इसमें भी क्या करेंगे नेक्स्ट अब हम इसका आइसोमर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा जैसे हमने इसमें किया था ना इसमें यहाँ पे ये यह क्या है इरेज हो गया चलो इसको फिर से लिख देते हैं क्या बनाया था हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन था और ये हमारे पास ब्लू ब्रोमिन बना हुआ था ये हमारे पास सेकेंड आईसूमर था अब हमने क्या किया था सेकेंड केस में इसमें फ्लोरीन तो फिक्स रखा था और ब्रोमीन के केस में हमने इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज किया तो हमारे पास क्या आया कुछ इस तरीके से एक और आइसोमर आपका ड्रॉ हो गया अब क्या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है हाँ क्योंकि हमने फ्लोरीन के ऑपोजिट आयोडीन रख लिया फ्लोरीन के ऑपोजिट ब्रोमीन को रख लिया हमारे पास टोटल चार आ गए इसी तरीके से जब आप फिफ्थ पॉसिबिलिटी में क्या करोगे यहाँ पर आप फ्लोरीन को तो एज इट इज रख लो और क्या करो इसके ऑपोजिट में आयोडीन आ गया ब्रोमीन आ गया अब क्या बचा आपके पास सिर्फ क्लोरीन बचा तो आपने अब यहाँ पे क्लोरीन को रख लिया और इसी तरीके से आपने यहां पर आयोडीन कर लिया और यहां पे ब्रोमीन कर लिया मर्जी है आपकी ठीक है ये यह आपने यहां पर इन दोनों को अपोजिट रखा है और जब लास्ट में क्या होगा इसी तरीके से ये जब आप इसका सिक्स आइसोमर में ड्रॉ करोगे तो ये दोनों कार्बन तो एज इट इज रहे क्लोरीन और क्लोरीन बस आपको यहां पर क्या करना है आयोडीन और ब्रोमिन की पोजीशन को इंटरचेंज करना है तो ये आपके पास एक और पॉसिबिलिटी आ गई तो इस तरीके से आपने सबको इंटरचेंज करके रख लिया तो ये आपका क्या कहलाता है ये आपका अपोजिट कंसेप्ट कहलाता है आप एक एटम को फिक्स करते हो और उसके अपोजिट में आप उसके एटम को चेंज करते जाते हो इस तरीके से आपकी टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर कितनी आ गई आपके पास टोटल यहाँ पर सिक्स आइसोमर्स आपने ड्रॉ कर लिए और इतने ही इसकी पॉसिबिलिटी बनती है तो यहाँ पर आपके पास क्या है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स दैट मे बी प्रेजेंट इन दिस आइसोमर इज ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है बस सिर्फ आपको अगर स्ट्रक्चर पता है आप इजीली बता सकते हो आपको आता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना तो ये वाला क्या हो जाता है आपके पास ये जब आपके पास देखो तो सी फोर एच एट जो होता है ये आपके पास क्या है सी एन एच टू एन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है यानी कि ये आपके पास क्या रहने वाला है ये आपके पास एल्कीन है ये आपके पास एल्कीन है तो कैसा होगा इसका कुछ स्ट्रक्चर ये इस तरीके से आपकी एक एल्कीन यहाँ पर रहने वाली है और आपके पास बाकी के आप सब्सिट इसके पूरे कर दो ये कुछ इस तरीके से आप इसमें ड्रॉ कर दो तो आपके पास टोटल चार कार्बन हो गए और एट हाइड्रोजन आपको ड्रॉ करने थे तो आपके पास थ्री प्लस थ्री प्लस टू आपके पास टोटल एट हाइड्रोजन हो गए तो ये वाला क्या है आपका ये जो है आपका स्ट्रक्चर निकल कर आ जाता है जो आपके पास गिवन है मोलिकुलर फॉर्मूला ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे बताते हैं एक हमारे पास टोटल काउंट करो तो वन टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स जब आप काउंट करोगे क्या है ये वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पर क्या होता है आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है तो ये वाला आपके पास हो जाएगा सिक्स नंबर का और ये आपके पास सेवन और ये वाला एट ये नाइन हो जाता है ये टेंथ नंबर का और ये इलेवेंथ नंबर का टोटल तो आपके पास कितने हो गए यहां पर टोटल आपके पास इलेवन स्ट्रक्चर में आपके पास प्रेजेंट है तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है ये दो आपको स्ट्रक्चर्स गिवन है आपको बताना है कि इनमें किस तरीके की आइसोमेरिज्म में पॉसिबल है हमने सारे तरीके की के आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज और ये यहाँ पर हमारे पास क्या है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है सी ट्रिपल बॉन्ड एन है और यहाँ पर आपके पास सी सिक्स एच फाइव यहाँ पर आपके पास एन ट्रिपल बॉन्ड सी है आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास क्या है ये आपके पास अटैचमेंट डिफरेंट है ये आपके पास साइनाइड है क्योंकि कार्बन से अटैच है ये आपके पास साइनाइड ग्रुप है और जब नाइट्रोजन से अटैचमेंट स्टार्ट होती है तो वो आपका क्या हो जाता है ये आपका आपका आइसोसाइनाइड ग्रुप कहलाता है। तो क्या है? ये दोनों हैं। ये आपके दोनों दोनों क्या है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आपके कहलाते हैं ये इसी वजह से क्या है आपके ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यहां पर हो जाती है तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट हमें गिवन है हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द कंपाउंड हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला दिस ये हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला हमें बताना इनमें से जो इसके आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे हम उसमें से कितने आइसोमर्स इसके ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो ये तो कुछ हमारा पिछले तरीके का ये आइसोमर हो गया ना ये आपके पास क्या है ये आपके पास एलकेन टाइप का रहने वाला है और जब ये सी फोर एच नाइन बी आर का आप ड्रॉ करोगे इसमें आपके पास कोई भी अनसेचुरशन नहीं होगा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा स्ट्रक्चर से आप सी एन एच टू प्लस टू से आप इसको ईजिली पता कर सकते हो जब आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या आता है पहला आइसोमर ये चार कार्बन की आपने चेन ड्रॉ कर ली एक आप जब नॉर्मल बनाते हो तो आप सीधा सीधा आपने ब्रोमीन का अटैचमेंट कर दिया अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी आप क्या करो इसमें ब्रोमीन को यहाँ पे अटैच कर दो एक ये पॉसिबिलिटी हो गई और फिर हम क्या कर सकते हैं अब ब्रोमीन को यहाँ पे अटैच करेंगे तो फिर वो सेम हो जाएगा तो अब हम कार्बन की चेन हमने ये पीछे क्वेश्चंस में अभी सीख चुके हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये यह जो चेन है यहाँ पर ये यह डिफरेंट सब्सिट्यूएंट अटैच कर देंगे ये हमारे पास कुछ इस तरीके से चार कार्बन की ये डिफरेंट हमारे पास ये हमारे पास आइसो वाला इसका आइसोमर बन जाता है ठीक है और फोर्थ पॉसिबिलिटी हम इसका टर्शरी वाला ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हम टर्शरी वाला फॉर्म इसका ड्रॉ करके ये हम इस तरीके से इसके टोटल इसके चार आइसोमर्स के फॉर्म पॉसिबल होते हैं जो कि हमने सारे के सारे ड्रॉ कर लिए अब ऑप्टिकली एक्टिव बताने के लिए हमें क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव हमें पूछ रखा है ऑप्टिकली एक्टिव में क्या होता है कि आपको बताना होता है कि हमें यहां पर कायरल सेंटर चेक करना है कि किस में आपका चेक कायरल सेंटर जिसमें भी आपके पास कायरल सेंटर होगा ना कायरल सेंटर के बाद आपके पास एक कायरल सेंटर हो और उसमें पीओएस सीओएस एग्जिस्ट ना कर रही हो तो वो आपका क्या कहलाता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर हो जाता है तो आप इसमें देखो तो आपके पास हर कार्बन पे आपके पास दो हाइड्रोजन तो मिनिमम है तो आपके पास इसमें तो कोई में भी नहीं होगा तो ये तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है दूसरा आप देखो इस कार्बन पे कि एक बी है एक यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये यह आपका क्या है सी एच थ्री ग्रुप है और तीसरा यहाँ पर क्या एक आपका ये हाइड्रोजन होगा चार वैलेंसी आप सेटिस्फाई करो और ये आपके पास इथाइल ग्रुप है तो जब आप देखो तो ये वाला जो इसका सेंटर है ये आपका कायरल सेंटर जनरेट यहां पर हो रहा होता है ये आपका क्या है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या फिर कह लो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इस केस में यहाँ पर ये वाला कहलाता है ठीक है और जब बाकी के ऑप्शंस में हम देखें तो बाकी के ऑप्शन में क्या है ये वाले कार्बन पे आपके एटलीस्ट दो हाइड्रोजन तो है इस वाले सेंटर पे आप देखो तो ये वाला जो सी एच थ्री है और ये सी एच थ्री तो ये यहाँ पर दोनों ही सेम आ गए इसी वजह से क्या है ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है और इसमें तो इस कार्बन पर जब आप देखो तो तीनों के तीनों ही आपके सेम सेम आपके सब्सटीट्यूंट अटैच हो गए तो इसीलिए ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है सिर्फ आपका एक ही आइसोमर है यहाँ पे जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव आपको यहाँ पर कैसे बताना होता है ठीक है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कायरल कंपाउंड्स हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टू मिथाइल ब्यूटेन तो हमें यहाँ पर क्या करना है टू मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराना है और फिर बताना है कि उसमें आपके कितने आइसोमर जो बने वो ऑप्टिकली एक्टिव बने तो जब आप टू मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो क्या होता है ये आप पहले तो ब्यूटेन चेन ड्रॉ कर लोगे और सेकंड पोजीशन पर आपके पास क्या है मिथाइल ग्रुप आपका अटैच है तो इस तरीके से आपके पास ये इसका आइसोमर हो जाता है ये आपके पास टू मिथाइल ब्यूटेन का आपका स्ट्रक्चर हो गया अब आपको इसमें मोनोक्लोरिनेशन कराना है तो so, मोनोक्लोरिनेशन आप कराओगे तो आपके पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रहे हैं तो हम हर पोजीशन पे यहाँ पर पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेंगे कि इसमें आप अटैचमेंट कर सकते हो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा तो हमारा ये तो सेम रहने वाला है स्ट्रक्चर इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं सिर्फ क्लोरिन का अटैचमेंट हमें चेंज करना है तो क्या आ जाएगा सबसे पहले हम लास्ट वाले पे अटैच कर देते हैं तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपके पास सी एच टू सी एच टू सी एच एक तो आपके पास ये वाला हो जाएगा है ना टू मिथाइल ब्यूटेन का ये आपके पास एक हो गया दूसरी आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस वाले पे ना अटैच करके सेकंड वाले पे कर दो तो क्या पॉसिबिलिटी आ रही है कुछ इस तरीके से यह आपका सी एच थ्री आ गया और यहां पर आपने सी एच लास्ट वाले की ना जगह आपने इधर पर क्लोरिनेशन करा दिया और इसी तरीके से थर्ड पे आप क्या कर सकते हो आप बीच वाले कार्बन पे मोनोक्लोरीनेशन करा दो एक ये पॉसिबिलिटी है तो जब आप यहाँ पर मोनोक्लोरीनेशन कराओगे तो आपके पास क्या है यहाँ पर ये सी एच टू ये सी एच थ्री और यहाँ पर भी आपके पास सी एच थ्री है और इधर पे आपने क्लोरिनेशन करा दिया तो एक ये पॉसिबिलिटी निकल कर आए और दूसरा आप देख सकते हो कि एक आप इस वाली पोजिशन पर भी करा सकते हो तो यहां पर जब आप मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है यहां पर आपके पास आ जाता है सी एच टू सी अब हमें यह भी लग रहा होगा आपको लगेगा कि यहां पर भी मोनोक्लोरीनेशन करा सकते हैं बट आप देखो तो ये वाला जो पोजिशन है ये सी एच थ्री ये यहां पर आपके पास जो सी एच थ्री है और ये ये दोनों ही क्या है सेम है बिल्कुल तो यहाँ पर कराओ तो यहाँ पर कराओ आपको प्रोडक्ट क्या है सेम ही मिलने वाला क्या होगा आपके पास यहाँ सी एच थ्री रहेगा यहाँ सी एच टू सी एच ओवरऑल आपका सेम ही है वो आइडेंटिकल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या है टोटल वन टू थ्री फोर फोर पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पर क्या है पॉसिबल है आपके मोनोग्लोरिनेशन प्रोडक्ट के क्या है आपके पास ये है आपके पास प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से आपके पास मोनोक्लोरिनेशन के यहाँ पे चार प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं ये यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है तो इसको रहने देते हैं आपके पास चार प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव रहने वाला है तो हमें क्या चेक करना है ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कंपाउंड्स हमें बताना है तो कायरल कंपाउंड्स में हमें देखने कायरल सेंटर तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये कार्बन पे इसमें तो होगा नहीं इसमें भी तीन सेम है और इधर पर दो सी एच थ्री पर दो सेम यहाँ पर दो सेम तो ये वाला तो नहीं रहेगा Clearly समझ में आ रहा होगा आपको और जब दूसरी की हम बात करते हैं तो जब हम इधर पर आप बात करो तो ये वाला कार्बन जो है इधर पे एक सी एच थ्री है यहाँ पर एक क्लोरीन है और ये एक पूरा डिफरेंट सब्सिट्यूमेंट है और एक यहाँ पर आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच तो यहाँ पर टोटल आपके पास चारों सब्सिट्यूट डिफरेंट हैं तो ये वाले कार्बन पे आपके पास क्या है कायरल सेंटर जनरेट होता है इसीलिए आपको ये क्या है कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है तो एक तो आपके पास ये वाला हो गया जब आप इसमें बात करते हो तो यहाँ पर इस कार्बन में भी आपके पास क्या है दो सी एच थ्री ग्रुप अटैच हो गए और यहाँ पर भी आपके पास क्या है दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो सी एच थ्री है तो ये वाला भी नहीं होता है और इसी तरीके से जब तो आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पर क्या होता है एक CH3 ग्रुप है और यहाँ पर एक CH2Cl ग्रुप है और ये भी आपके पास इथा इथाइल ग्रुप है और ये एक हाइड्रोजन है ये कार्बन भी क्या हो गया आपका ये भी आपके पास कायरल आपके पास सेंटर यहाँ पर जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल भी आपका क्या है कायरल मॉलिक्यूल की तरह काउंट होता है तो ओवरऑल आपके पास एक और दो दो मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ पे कायरल निकल कर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ठीक है बच्चों समझ में आया आपको तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है टू पेंटेनोन एंड थ्री मिथाइल ब्यूटेनोन आर द पेयर ऑफ डैश मतलब हमें बताना है कौन से आइसोमर्स ये दोनों होते हैं तो टू पेंटेनोन हम जब बात करेंगे तो टू पेंटेनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है पेंटेन की चेन ड्रॉ कर ली हमने सबसे पहले ठीक है और टू पोजीशन पर आपके पास कीटोन ग्रुप यहां पर अटैच रहने वाला है और फिर बाकी के हमारे हाइड्रोजन आ जाते हैं ये आपके पास हो गया टू पेंटेनोन का स्ट्रक्चर और दूसरा आपके पास गिवेन है थ्री मिथाइल ब्यूटेनोन तो यहाँ पर ब्यूटेन चेन जो है आपकी बड़ी वाली चेन रहने वाली है ये ब्यूटेन और सेकंड पोजीशन पर आपके पास क्या है ब्यूटेन ग्रुप अटैच है और आपके पास थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच रहने वाला है ये आपका कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है तो ये आपके पास दो स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल आ जाते हैं ये क्या है आपका टू पेंटेनोन और ये वाला है आपके पास थ्री मिथाइल टू ब्यूटेनोन ये दोनों आपके स्ट्रक्चर्स है अब आप इसमें बताइए कि आपको कौन सा आइसोमर यहाँ पर फॉर्म तो यहां पर नहीं लग रही होगी दूसरा क्या है कि पोजीशन आपको दिया हुआ है? चेन चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है आपके पास चेन के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है तो जब आप यहाँ पर देखो कि आपके पास देख सकते हो कि ये आपके पास ये इसको जब आप देखो तो ये जो चेन है ना ये आपके यहाँ पर कार्बन चेन है और इधर पर आपके पास वही चेन में आपके पास ब्रांचिंग दे रखी है तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर आपके पास चेन में डिफरेंस आ गया है मतलब यहाँ पर क्या है आपके पास चेन में चेन के अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया है इसीलिए यहाँ पर क्या होती है आपके पास चेन आइसोमर्स ये कहलाते हैं इसलिए आपके चेन आइसोमर्स ये कहलाते हैं और दोनों में ही पोजीशन आइसोमर्स आपके इसलिए नहीं होते पोजीशन आइसोमर्स वो कहलाते हैं कि आपके डिफरेंट पोजीशन पर आपके फंक्शनल ग्रुप अटैच हो पर आप जब यहाँ पर बात करते हो यहाँ पर क्या होता है बच्चों की ये जो है ये आपके जब चेन में काउंट करो तो ये यहाँ जब आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो ना तो ये क्या होता है फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन ये थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ इसमें भी जब आप देखो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ दोनों में ही आपके पास क्या है सेकेंड नंबर पे आपके पास अटैच है आपको फंक्शनल ग्रुप इसीलिए आपके पास यहाँ पर पोजिशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती है इसी वजह से सिर्फ आपके पास यहाँ पर क्या है चेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है तो सिर्फ आपके पास यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म ही एग्जिस्ट करती है तो बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ तो लास्ट है हमारा आज का हमारे हमारे पास एन पेंटेन और आइसो पेंटेन दिए हुए हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच आइसोमेरिज्म तो ये भी हमें बताना है कि इनमें आपके पास कौन से तरीके की रहने वाली है नॉर्मल प... पेंटेन आपका कैसा होता है नॉर्मल पेंटेन जो है आपके पास क्या है इसका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है नॉर्मल पेंटेन क्या है इस तरीके से ये चेन हो गई आपके पास पेंटेन की और यही आपके पास नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया सिंपल चेन और फिर आपके पास क्या है आइसो पेंटेन आपके पास गिवन है आइसो पेंटेन आइसो पेंटेन में आपके पास क्या होता है आपके पास चेन में कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री तो में, में तो कोई चेंज नहीं है आपके पास यहाँ क्या है चेन में ही डिफरेंस देखने को मिला है हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देखा कि हमें कैसे बताना है दोनों ही पांच कार्बन की चेन है दोनों ही क्या है दोनों में ही पांच कार्बन की चेन है और दोनों में क्या है ये ये आपकी आपकी है है और ये वाली आपकी है. तो क्लियरली आपके पास चेन के अरेंजमेंट में यहाँ पे आपको चेंज देखने के लिए मिल रहा है इसलिए आपके पास यहाँ पर क्या है चेन आइसोमेरिज्म लगती है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमने आज के लेक्चर में सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कि आपके पास किस तरीके की आइसोमेरिज्म होती है हमने कैसे पहचानना है कि कहाँ पोजिशन होगी कहाँ चेन होगी कैसे आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना है फिर से मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच